कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसको सबसे पहले देख सकें। यम सुकोती टांडा पहुंच गया हूं और यहां पे एक सीवर लग रहा है। यहां पे पुल उतर के आ गया हूँ मैं। रात को मैं कसौली पार करके होटल पे रुका हुआ था, वहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे आके मैंने बोलेगी। अब दिल्ली यहाँ से रह गई है 80 किलोमीटर के करीब और अब हमने यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और ये देखो, ये बोलो की गाड़ी भी आ गई है कि यहाँ पे, और ये भी बोले आराम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हमें दावत ढाबे पे, और यहीं पे हमारे बोले जी राजपाल जी भी मिल गए हमें, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और उनकी भोली भी उनके साथ है और उनका भतीजा भी साथ है। जय बोले की। तो बोले जी कैसी यात्रा रही आपकी? आनंद आ गए। अच्छा, हम छोड़ के आगे बोले आपको? छोड़ के आगे ना, हमारी फिर भी आपने पकड़ लिया बोले हमें। अरे बोले, एक दिन के गैप को कवर कर लिया आपने, और क्या चाहिए बोले। हाँ, बर्फ तो बहुत थी बोले। बाई रोड आए होंगे ना झालावाड़े पे, बहुत ज्यादा बर्फ थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही पिछली बार से ज्यादा थी बोले आपके। बर्फ पिछली बार से ज्यादा थी। और कुछ बोले वहाँ भी आराम कर रहे हैं, अब यहाँ से आराम करने के बाद राजपाल भोले जी बता रहे हैं आगे एक भंडारा है वहाँ पे आराम करेंगे। ये हमने वहाँ पे कावड़े जुला दी अपनी, दावत ढाबा है ये। दोराला हम पहुँच गए हैं और दोराला में ये शिव जी का मंदिर है, देख रहे हैं आप ऊपर साइड से। और अभी साइड से जा रहे हैं दोराला, और आगे ये कोतवाली दोराला है। बाद है ना शायद भंडारा लगा हुआ है, तो एक 1.5 किलोमीटर बाद फ्लाई ओवर के बाद तुलसी रिसोर्ट बता रहे हैं कोई, शायद सारे घोड़े वहीं रुके हुए होंगे। ये पहले था यहाँ पे,
चला गया यहाँ से, कोतवाली दोराला खत्म हो गई। करते हैं इसको ढाई और पे छने के बाद। ये मंदिर है ताड़केश्वर महादेव मंदिर दोराला, दोराला का है। और मैं इसको जूम करता हूँ अभी जरा। ये रोड से पल्ली साइड में है, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। दोराला के अंदर आ रहा है ये, देखता हूँ और जूम करता हूँ थोड़ा अंदर का, कुछ दिखाई देता हूँ। अंधेरा नहीं दिखाई देगा, कुछ कुछ भोले भाली है इसमें अंदर मंदिर में। और चलते हैं आगे की तरफ। जय बोल। टोल प्लाजा से पहले ये भंडारा लग रहा है, और इस भंडारे ये 19वां भंडारा बता रहे हैं इनका। जब सावन और फागुन की कावड़ मिला के ये होगा इनका 19वां भंडारा। भंडारा चालू है और कुछ बोले भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं कुछ बोले। पीछे रह गई है एक थोड़ी सी। ये भंडारा है इनका, एड्रेस दिया हुआ है पांडु नगर दिल्ली 91। कार्ड में ज़्यादा भोले नहीं होते हैं, और ये भोले भी आप पहुँची है। मैं भी पहुँच गया हूँ भंडारे पे, और अब भोले बाबा का मैं भी थोड़ा प्रसादी ग्रहण करके ही आगे चलूँगा। जय बोलेगी। अब मैं आज है 25 आज है 25 मार्च 2024 और मैं अब मोहिदुनपुर मेरठ के इस मंदिर में पहुंचा हूं अब विश्राम करने के लिए। और ये मंदिर काफ़ी शिव मंदिर है, और कई मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर लग रहा है। और इसी की मैं इसे याददाश्त अभी लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और इसी अंदर कई भोले भी रुके हुए हैं। आप मेरे पीछे से देखिए इस मंदिर का, ये बाहर से मैंने इसको दिया है, बताया है इसको मंदिर को। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर,
और मंदिर के अंदर चल के मिलते हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर है महाशिवरात्रि उत्सव महामत्स्य युद्ध हवन होगा 9 बजे से 12 बजे तक, संध्या भवन होगा 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक। ये स्थान आप देख ही रहे होंगे, श्री राम लक्ष्मण जानकारी मंदिर शुगर मिल मोहम्मदीनपुर मेरठ। और इसमें चलते हैं पहले शिव जी के। कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसको सबसे पहले देख सकें। मंदिर की तरफ ये हमारे शिवलिंग है, विराजमान है इसमें, और साथ ही हमारे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये शिव परिवार है इसमें। ये गणेश जी महाराज जी हैं और ये बजरंगबली हनुमान जी हैं। ये शिव परिवार ऐसा लग रहा है। ऊपर घूमट है इसमें। मंदिर के बैक साइड में राधा कृष्ण जी है। ये पंचमुखी बजरंगबली जी हैं। ये मंदिर का घूमट दिखाता हूँ मैं आपको, और जो एक मंदिर है इसका भी घूमट दिखाता हूँ आपको मैं। ये सबसे बड़ा घूमट है मंदिर का, और एक साइड में एक और है ये मंदिर, इसका भी घूमट तक जा दिखाता हूँ मैं। जय श्री राम जी का झंडा लहरा रहा है हवा में। ये बंद किया हुआ है इन्होंने, ये धुना धुना हो। मेन मंदिर है बंद किया हुआ, पुजारी जी गए हुए हैं। Yeah.
ये तो 24 का लिख रहा है, 25 का थोड़ी है। ये है 8 तारीख का जल त्रयोदशी के महाशिवरात्रि का 24 का। जय बोलेगी जी, क्या नाम है बोले जी आपका? हाँ जी, इधर देखो ना कैमरे की तरफ। हाँ, कहाँ के बोले जी? कहाँ से आ रहे हो अब? हरिद्वार से लाजपत आए, लाजपत नगर। जय बोलेगी, कैसी यात्रा रही बोले आपकी? बहुत बढ़िया रही। और कितने साल से आ रहे हो बोले जी? कभी गिनती नहीं करी। कोई गिनती नहीं करी, अनलिमिटेड है। बोले जी आप इधर को। हम रोहनी से बोले। हाँ, क्या नाम है बोले जी आपका? सुरेंद्र मंडल। हैं? सुरेंद्र मंडल। मंडल मंडल तो वो बंगाली होते हैं ज्यादातर। महतो, ये पकड़ के बोलो इसमें इसको। महतो महतो महतो। हाँ अच्छा, बिहार के। अरे पानी तो ये जो पंडित जी आ रहे हैं सब पीते हैं। अच्छा अच्छा, बाबन बाबन सब पीते हैं। अच्छा अच्छा, चलो लाओ जी महाकाल। हमारे पानी सब पी चलते हैं। जय बोलेगी, जय श्री महाकालाय नमः। जरा बोले जी कैमरे की तरफ देख के, ये पकड़ो जरा, इसमें से बोलना जरा। इसमें क्या बोले? महाकाल बोले, जो बोले जो बोले महाकाल बोले। हाँ, बोले जी आपका शुभ नाम? महाकाल। महाकाल कहाँ के बोले? दिल्ली के। महाकाल नगरी। महाकाल नगरी के हो। जय बोलेगी, हरिद्वार से आ रहे बोले जी। हेलो, जय श्री महाकाल। चलो जी, बोलेगा फोन आ गया, उसके बाद देखते हैं अब थोड़ा। ना बोले जी, हमें इधर छोटा हरिद्वार के करीब पहुँचने वाले हैं। जय बोलेगी, जरा कैमरे की तरफ देख के बोले जी। हाँ इधर बोले, काला आ रहा है थोड़ा। हाँ आप सही है बोले जी। हाँ जय बोलेगी, बम बम बोले। वो बोले ठीक ठाक हो, यात्रा सही चल रही है? टाइम से चल रहे हो? कोई लेट लाट तो नहीं हो? जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। बोले आप लोग कहाँ के हो? बोले शास्त्री नगर। बोले तो इधर को आ जाओ बोले, जरा अंधेरा आ रहा है। जय बोलेगी। हाँ बोले, वो क्या नाम है बोले जी आपका? जी मेरा नाम विनोद बोले। विनोद बोले जी, जी कहाँ के हो? सीलमपुर से। सादरव से कहाँ से आ रहे बोले? अभी हरिद्वार से चल के आ रहे हैं। हरिद्वार से चल रही है, कौन सी तारीख को? जी 2 तारीख को 8:30 बजे उठाया। अच्छा अच्छा, चार बोले हमारे। चार बोले हैं, पूछ लेता हूँ। हाँ जी, जीतू भोला। जीतू भोला, दिल्ली सादरा सीलमपुर। सादरा दिल्ली सीलमपुर। हाँ जी, कहाँ से आए बोले आप? हम जी सीलमपुर से आए हैं। नहीं जल लेके कहा है? हरिद्वार से। कौन सी कावड़ ले आ रहे हो, झूला कावड़ या खड़ी कावड़? झूला कावड़ लेके आ रहे हो। अच्छा जी बोले जी, कोई परेशानी तो नहीं बोले जी? चलो जी, भोलेनाथ आप। जय बोलेगी, जय बोलेगी। हाँ बोले जी, नहीं नहीं वही ठीक थे बोले, सही था। मेरा नाम कमल है। बोले जी, मेरा नाम कमल है। हाँ जी बोले जी, मैं शादरा सीलमपुर, पुराने सीलमपुर से आया हूँ। जरा जोर से बोलो ना बोले जी। मैं शादरा पुराने सीलमपुर से आया हूँ। हाँ शादरा वो हरिद्वार से जल लेकर। हरिद्वार से जल लेके आया हूँ। मेरी फागुन खड़ी कावड़ झूला कावड़ सारी मिला के अभी तक 35वीं कावड़ है ये मेरी। जय बोलेगी, जय बोलेगी। गंगोत्री गए हो बड़े कभी? हाँ बोलेगी, एक जोड़ा गंगोत्री गौमुख का भी करा है। गौमुख का कौन सा सर्वे? 2010 में। 2010 में तो बाढ़ आई थी वहाँ पे। 10 में था, 8 में 16 में आई थी बाढ़। 10 में भी आई थी, बादल फटा था वहाँ पे। बोले 2007 में गए थे। सात में गए थे तो अब एक बीच में एक बार रोड टूट गया था, ध्यान है आपको? हाँ, के बाद आगे जाके रोड ही बिल्कुल धस गया था, एक दिन के लिए बंद हो गया था, जिसके अंदर हमें पैदल चलना पड़ा था ऊपर पहाड़ पे गंगनानी तक। वहाँ से फिर हमें रोड ही टूट गया था बोले। फिर वहाँ से झाला तक पैदल जाके, फिर उसके बाद हमने गाड़ी करी।
अच्छा, पैदल यात्रा नहीं करी? नहीं नहीं, जब इधर से गए थे तो जाते समय, जाते टाइम टूटा था आपका? अच्छा अच्छा, जाते टाइम। ठीक है बोले जी, आपकी यात्रा मंगल हो। मेरा यूट्यूब चैनल है MK बाबा ब्लॉग, उसमें सारी, सारी यात्रा डली हुई है उनने। मेरी यात्रा आपको गौमुख से दिल्ली, गौमुख से केदारनाथ, ये सारी यात्रा डली हुई है मेरी इसमें, और अमरनाथ की भी सारी यात्रा डली हुई है, और दो तीन शिवलिंग जो है महाराष्ट्र के उनमें भी डली हुई है मेरी। जय बोले, जय बोले। कौन सा यूट्यूबर बोले जी आपका? MK बाबा ब्लॉग, MK बाबा ब्लॉग, ये आपका उसी में आ जाएगा बोले। जब मैं डालूंगा इसको तो आपका आ जाएगा। अब वीडियो समाप्त करते हैं और आगे देखेंगे।